नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज साथियों हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तेमाल करने वाले वर्ड के विषय में, शब्द के विषय में, और वह है एलर्जी। तमाम मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब एलर्जी हो गई, ये एलर्जी हो गई, वो एलर्जी हो गई, ऐसी एलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज़ से हो गई, उस चीज़ से हो गई, तमाम, लेकिन एलर्जी वर्ड उसमें होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जीज के विषय में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निपटें, कैसे आप इसका निदान करें। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एलर्जी होती क्या है। एलर्जी साथियों, आपका जो बॉडी होता है उसका एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। कभी क्या वक्त आता है कि आपका बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो जब आपका एक्सटर्नल कोई इन्फेक्शन आता है, या वो इन्फेक्शन नहीं भी होता है, कोई भी एलर्जन होता है जो वास्तव में जिसको आपको एलर्जी नहीं कॉज करनी चाहिए, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स रखता है, उस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को एलर्जी कहते हैं। सपोज कीजिए किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो जब आपने मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक करा तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसने जो एंटीबॉडीज बना रखे हैं उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और इसको मरीज ने आके कहा मिल्क एलर्जी है। तो ये जो बॉडी इम्यून का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है एलर्जन के विरुद्ध में, इसी से उत्पन्न कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। इसमें साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यह जो है कभी बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बॉडी में, कभी यह सालों में होता है, कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है, एक पार्शियल होता है। उस स्थिति में आपके शरीर में एलर्जी मॉडरेट होती है और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है बीच का कि एलर्जी डेवलप होने के लिए जो एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं उनको जो इम्यून सिस्टम जो रिलीज करता है उनको पूरा डेवलप होने के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको सैनिटाइजेशन कहते हैं। यह एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। एलर्जी में साथियों जिस तरह की एलर्जी वैसा सिम्टम। अगर आपके जो है वो नेसल एलर्जी है तो छींकों का सिम्टम आ गया, अगर आपके अर्टिकेरिया है तो स्किन में आपके बल्ज आ गए, अगर आपके मच्छर के काटने से आपके एलर्जी हो जाती है तो उस तरह की लाली हो गई, मच्छर ने काटा और भारी घाव बन गया, भारी वो स्केल्स आ गए, भारी चकत्ता बन गया, तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों इसका एक सिम्टम में एक स्थिति और होती है जिसको कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, यह एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जो कि एलर्जीज में होती है। जैसे क्या होता है, हम लोग आम तौर पर एलर्जीज को बहुत हल्के में लेते हैं कि एलर्जी है तो है, लेकिन एलर्जी के में अगर यह कंडीशन आपके क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो गई तो यह लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसमें आपके अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपका बीपी भी लो हो जाता है, आपको पेन बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफ़ें होती हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी के आप एंटाइटल्ड होते हैं। तो इस वर्ड को अगर आपके किसी भी चीज़ की एलर्जी है तो आप इस वर्ड को अवश्य ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं साथियों इसके कारणों की। इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई एलर्जन आता है आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको बाहरी पार्टिकल एक इंट्रूडर के रूप में, एक दुश्मन के रूप में रिकग्नाइज करता है और आपका इम्यून सिस्टम आईजीई जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वह एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं और यह एंटीबॉडी उस विशेष इन्फेक्शन को पहचानते हैं। कभी यह जल्दी पहचान लेते हैं, कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है, कभी महीनों का, कभी सालों का।
लेकिन ये पहचानते हैं, जितना ज़्यादा पहचानते हैं उतना ज़्यादा आपको इसका बुरा रिस्पॉन्स आता है। तो जब ये आप पहचान लेते हैं तो जब भी वो एलर्जन आपके बॉडी आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपके यह जो एंटीबॉडीज़ होते हैं यह उस पर हमला कर देते हैं और यह ही आपके मैनिफेस्टेशन के रूप में विभिन्न विभिन्न जिस तरह का एलर्जन उस तरह का मैनिफेस्टेशन उस रूप में आपके सामने आते हैं। इसकी साथियों इसीलिए डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आईजीई का टेस्ट कराता है। कभी आपको एलर्जीज रही होंगी तो डॉक्टर ने आईजीई टेस्ट जरूर कराया होगा, या इम्यूनोहीमोग्लोबिन्स होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं और यही प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है यही आपका एंटीबॉडी बना के आपको सही करने वाली चीज़ को कष्ट के रूप में आपके शरीर में दे देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट साथियों एक एलर्जी का कंपोनेंट होता है वीट यानी गेहूं। हम लोग अब अगर रोटी ही नहीं खा पाएंगे तो सेहत क्या बनेगी। बहुत से छोटे छोटे बच्चे हमारे क्लिनिक आते हैं जिनको वीट से एलर्जी होती है, वीट से एलर्जी होती है और उनको एक विशेष प्रकार का अनाज खाना पड़ता है जो कि बहुत महंगा होता है और गरीब परिवार के लोग उसको वहन नहीं कर पाते। लेकिन मरता क्या ना करता, किसी को खाना तो आप खाने को देंगे ही देंगे, तो वो अभिभावक अपने बच्चों के लिए महंगा अनाज जो विदेशी अनाज आता है इसको उनको ख़रीदना पड़ता है जो कि वीटलेस होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा साथियों है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। अगर आपको आपके बच्चे को वीट से एलर्जी है, वीट खाने से, गेहूं खाने से, गेहूं का आटा खाने से, गेहूं की रोटी खाने से बहुत तकलीफ़ होने लगती है तो आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं उस स्थिति में कि अगर वो वीट खाने से पेट में गुड़गुड़ाहट होती हो, पेट में गजलिंग होती हो, लोअर एब्डोमेन में गैस बनने लगती हो और पेट फटने ऐसा भारीपन होता हो, अगर यह स्थिति है तो ड्रग ऑफ द चॉइस वीट एलर्जी के लिए या वीट एलर्जी को ठीक करने के लिए है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके वीट एलर्जी है और आपने जैसे ही गेहूँ की बनी कोई चीज़ खाई तो पेट में बहुत ऐठन और मरोड़ होने लगी, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा ऐठन और मरोड़ होने लगे अनाज का सेवन करने के बाद, अनाज खाने के बाद, गेहूं खाने के बाद या गेहूं का आटा खाने के बाद, तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा कोलोसिंथ है। कोलोसिंथ 32 बूंद दिन में 3 बार आप उसी स्थिति में वीट एलर्जी में ले सकते हैं कि जब आपके पेट में बहुत दर्द होता हो वो आपको आगे झुकने पे मजबूर कर देता हो, तो आप कोलोसिंथ 30 लेकर अपने को ठीक कर सकते हैं और वीट एलर्जी से भी छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी दवा साथियों इसी कंडीशन की आती है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका उसी स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपका पेट खराब रहता हो, कुछ भी खाते हो पेट खराब हो जाता हो, चाहे आप वीट से गेहूं से बनी कोई वस्तु लें या अन्य भी वस्तु लें आपका पेट खराब ही रहता हो, तो अगर आपके गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा हों और आप बहुत हाइपर सेंसिटिव नेचर के हों तो नक्सवोमिका आपकी दवा है, यह दवा आपको फ़ायदा कर देगी। नक्सवोमिका के मरीज़ को आवाज़ और शोर नहीं पसंद होता, थोड़ा एकांत में रहना चाहता है, उसका पेट हमेशा खराब रहता है, तो नक्सवोमिका उसकी दवा है, वह आपकी उस समस्या और वीट एलर्जी दोनों को ख़त्म कर देगी। फिर एक दवा आती, एक स्थिति आती है साथियों कि आपने गेहूं की कोई चीज़ खाई आपके स्किन में रैश आ गए हो, यानी लाली लाल लाल चकत्ते पड़ गए हो, वीट से एलर्जी हो रही हो, तो अगर यह स्थिति है और आपको नमकीन खाना बहुत पसंद है तो आपके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस नेट्रम म्यूरेटिकम है। आप नेट्रम म्यूरवानियम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपकी वीट एलर्जी कि समस्या आपके शरीर से ख़त्म हो गई, यानी कि जो गेहूं खाने से आपका शरीर आपको रोक रहा है वह नहीं रोकेगा। उस स्थिति में जब आपका सिम्टम आपको नमक खाना बहुत पसंद हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता हो और आपको वीट खाने पे स्किन में रैशेज आ जाते हों, तो आप नेट्रम्यूर की दवा लेकर सेवन करके अपने को ठीक कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी दवा आती है साथियों वीट एलर्जी की, जब आप वीट एलर्जी खाते हो आपको एक्जिमा हो जाता हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सोराइनम। आप सोराइनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका वीट एलर्जी खाने के बाद, वीट खाने के बाद जो बॉडी का इम्यून सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करता है वो रिस्पॉन्स में कमी आ जाएगी और आप आसानी से गेहूँ का सेवन कर सकेंगे। ये दवाएँ थी आपके एलर्जी के विषय में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप
नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं। उम्मीद करेंगे इन दवाओं से आपको एलर्जीज में फ़ायदा हो। आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Thank you.